कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। राहुल ने गुरुवार को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी खास बात रखी। राहुल ने कहा, मैं शायद भारत में एक मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। राहुल ने कहा, अभी मैंने अपना परिचय सुना, इसमें मुझे पूर्व सांसद कहा गया। राहुल ने कहा, जब मैंने 2004 में राजनीति शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा भी देखना पड़ेगा जो अभी हो रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा बड़े अवसर हैं, शायद उस अवसर से भी बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये ड्रामा 6 महीने पहले शुरू हुआ था। भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, हम इसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा है, तब हम सड़कों पर गए और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को किया था संबोधित। इस दौरान राहुल गांधी ने नए संसद भवन, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार, एजेंसियों के इस्तेमाल समेत तमाम मुद्दों पर बात की थी। राहुल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता है। मोदी जी भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में समझा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में बुधवार को हुए सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने फोन टैपिंग का मुद्दा भी उठाया। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, लेकिन वो इससे परेशान नहीं है। मजाक में राहुल गांधी ने अपना फोन निकाल कर कहा, हेलो मिस्टर मोदी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।